एपिसोड में हम करने जा रहे हैं यहाँ पे इन पेंसिल्स की अनबॉक्सिंग। आप कमेंट्स में गैस करके बताइए कि इसके अंदर क्या होगा। एंड आपको मैं बताऊँ तो इसके लिए मुझे इतना वेट करना पड़ा, 2 हफ्ते का वेट करा मैंने इसके लिए, तब जाके मुझे मिली है। एंड लास्ट टाइम ना लास्ट डे में सोच रहा, मतलब जब मैंने इसको ऑर्डर करने से पहले एक दिन पहले मैं सोच रहा था कि भाई अब तो मतलब किस चीज़ की ड्राइंग बनाऊँ, तो मैंने सोचा वैनम की बनाते हैं। पर वैनम की कैसे बनाएं यार, कलर पेंसिल्स तो बची नहीं है एंड ग्रेफाइट में मज़ा नहीं आ रहा है आजकल, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा 10-20 बची नहीं है। एंड तो मैंने सोचा चलिए कलर पेंसिल स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने आउटलाइंस बना ली, उसके बाद जब मैं बैठा कलर पेंसिल करने तो क्या प्रॉब्लम आई, मेरे वाइट कलर ख़त्म है, मेरी कलर पेंसिल्स, मैं भी बोर हो चुका हूँ उन कलर पेंसिल से यूज़ कर करके। तो मैंने जल्दी से खोला अमेज़ॉन एंड उस पर सर्च की कलर पेंसिल्स एंड ऑर्डर कर लिए कलर पेंसिल्स। तो चलिए अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड इसको मैंने सैनिटाइज करके साइड में रखा हुआ था एंड 1 आवर बाद अब हम इसे खोलते हैं जल्दी से। तो गाइस अब मैंने ये ले लिया कटर एंड अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग सिनेमैटिक वे में। तो इस सिनेमैटिक वे के चक्कर में ना मैंने पैकेज को ऐसे फाड़ दिया एंड अब हम इसे अपने इंडियन स्टाइल में फाड़ते हैं। हुश, 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 एंड हुश। पूरा इसकी चीर पाड़ी कर दी है। एंड इस साइड से खोलने के लिए इसको अपने इंडियन स्टाइल से और अच्छे से काटते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया गाइस, आज अनबॉक्सिंग बहुत ही गलत वे में हुई है। तो ये आ चुकी है अपनी न्यू कलर्ड पेंसिल्स एंड इस कबाड़े को फेंकते हैं बाहर। एंड अब हम मैं इसको खोल लेता हूँ, ये पन्नी भी इसकी ना फट गई है, ये उस सिर्फ सिनेमैटिक वे के चक्कर में मेरी, पर अच्छे शॉट्स आए थे थोड़े बहुत यहाँ से। अब हम इसे खोलते हैं, खोलने का भी क्या फ़ायदा है, वहाँ से तो पूरी फाड़ी दी मैंने, यहाँ पे से खोल ली है ये। एंड नाउ ये आ चुकी है अपनी न्यू कलर्ड पेंसिल्स जो कि है सुपर सॉफ्ट वाली। एंड मैंने ना एक्चुअली देखा कि ये आपको 100 रुपीज में मिलती हैं, पर उसका पास बॉक्स अलग होता है। एंड ये मैंने 250 रुपीज की फिर बेफालतू मंगाई क्या, ये इसलिए मंगाई है क्योंकि ये अलग होती है, रियली दे आर मतलब अलग, थोड़ी सी अच्छी होती हैं, ज़्यादा ये जो होते हैं ना सॉफ्ट, देख लेते आप यहाँ पे मैंने ये इसमें सॉफ्ट इसलिए ही लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं नॉर्मल वाली पेंसिल से। कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लूँगा। तो अब देखते हैं ये खुलेंगी कैसे, वैसे मुझे पता नहीं लग रहा है खुलेंगी, शायद ऐसे। यस नाउ दे आर ओपन, फर्स्ट टाइम आपके सामने ये खुली है। एंड अब मैंने माइक लगाया है, माइक लगाना भूल गया था सिनेमैटिक वे के चक्कर में। एंड यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं पेंसिल सारी फुल फुल हैं पूरी, क्योंकि जो मेरी पुरानी कलर्स पेंसिल्स हैं उसमें आधी आधी मिलती है आपको। ये है ऐसी कुछ हैं, ये दिखने में तो लगभग सेम है, पर आप लीड की क्वालिटी चेक करके देखते हैं। एंड इसमें आपको 24 कलर शेड मिल जाएंगे एंड एक डब्बा भी मिल जाएगा बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे इसमें इस डब्बे का ना गाइस एक काम है, अगर आपको स्कूल में बिल्कुल सीधी चपातियाँ लेके जानी हो यहाँ पे आप रख के ले जा सकते हैं। एंड इसको एक बार पूरा निकालते हैं बाहर, देखते चलिए इसको पूरा निकालते हैं क्या इसके नीचे कुछ और है, वैसे उम्मीद है पड़ा तो होगा नहीं कुछ भी। हाँ बिल्कुल सीधा सा एक टिन का केस है बस। तो अब देखते हैं इनको चला के एक रफ पेपर पे, रफ पेपर लाया जाए। आ चुका है अपना स्मूथ पेपर मतलब रफ पेपर, मैं अभी क्या बोलता हूँ ना, ये देखिए ज़रा प्रैक्टिस, कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इस नोटबुक मतलब क्या बोल रहा मैं, नोटबुक नहीं है ये आपकी वो है। तो अब हम टेस्ट करते हैं इन कलर्ड पेंसिल्स को। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट ग्रेड चूज़ करने जा रहा हूँ एंड आपको पता ही होगा मेरा फेवरेट ग्रेड, नहीं पता है कमेंट्स में करके बताइए जल्दी से। तो ये है एक्चुअली ये है सारे शेड्स एंड मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। 250 रुपीज़ में आपको इतनी सारी कलर पेंसिल्स, ऊपर से एक टिन का केस जो कि आपके काफ़ी सालों तक चल जाएगा आराम से, आप बाद में इसमें कोई भी आर्ट मटेरियल्स रख सकते हैं अपना। एंड ये जो प्लास्टिक की कवर है ना ये भी आप हल्का सा मत समझना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाली प्लास्टिक यूज़ करी है इन्होंने कवर बनाने में। एंड ये कलर्ड पेंसिल्स आर ग्रेट, बहुत अच्छी है, मतलब मैं बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की भी नहीं बोल सकता क्योंकि इनसे भी हाई
स्टैंडर्ड की आती हैं, अच्छी आती हैं एंड ये भी अच्छी हैं। एंड ये आप अगर बिगिनर हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने ये ली बाय करी क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कलर पेंसिल्स मिलती नहीं है। वो वाला पैक जो है ना वो 100 रुपीज़ का है और उतने का ही आपको एक ये बड़ी वाली कलर पेंसिल्स का भी मिल सकता है, पर यहाँ पे मिलता नहीं है तो इसलिए मैंने इनको बाय किया। एंड अब मैं इनको लंबे समय तक चला पाऊँगा। एंड यहाँ पे अब मैं मतलब व्हाइट कलर की भी अहमियत को जान चुका हूँ क्योंकि ये ब्लेंडिंग के काम आता है। एंड यस, ब्लेंडिंग तो करके दिखाएं आपको थोड़ी बहुत। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये मैंने शेड किया है रेनबो को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने ना बचपन में सीखा था, जब स्केच से मैं ना एक्सपेरिमेंट्स करता था तो मैं ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बनाता था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे रेनबो को शेड करने में। जरा आप पास से देखिए, देख सकते हैं आप कितना वाइब्रेंट लग रहा है। मैं थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ाता हूँ, ये देख सकते हैं आप वाइब्रेंट, देखिए कितने कलर्स हैं एंड रेनबो फील आप ऐसे दे सकते हैं आराम से। एंड ये जो है कलर पेंसिल्स, इनको भी मैं अभी ना आपको ना एक रेनबो मतलब उसमें लगा के दिखाता हूँ, रेनबो जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, वे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से कार्यक्रम में बांध दिया है। एंड ऐसे हैं ये कुछ पेंसिल्स, तो आप एंजॉय कीजिए थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स को। रिव्यू एंड ये पेंसिल्स बहुत ही ज़्यादा मस्त है। एंड इसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल तो उसका वेट आप करना थोड़े दिनों तक। एंड इसमें ना ये इसमें अगर मैं MRP चेक करूँ तो 200 रुपीज़ है। एंड अगर आपके लोकल स्टोर में कहीं मिल जाती है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं इनको। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना। एंड जब मैंने अपने भाई को दिखाई तो उसका रिएक्शन था। एंड जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।